दोस्तों फरवरी के महीने एंड होते होते यानी कि फरवरी के मार्च आते आते आपको तीन ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। पहला जो स्मार्टफोन है सैमसंग M30, दूसरा स्मार्टफोन है जो कि है आपका रेडमी का, और तीसरा स्मार्टफोन जो कि रियलमी का है। तो रियलमी का डेट कंफर्म हो चुका है, ऐसे तो तीनों स्मार्टफोन का डेट कंफर्म हो चुका है। हम बात करने वाले हैं रियलमी के बारे में। तो रियलमी के फ़ोन के बारे में हम बात करेंगे। 4 मार्च को लॉन्चिंग डेट है रियलमी 3 का। तो क्या होने वाला है, इसके डिज़ाइन क्या है, लुक्स क्या है, इसके प्रोसेसर के बारे में हम जानेंगे, क्या है इसके फीचर्स, सभी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं रवि वर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है F1 Tech Support पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियलमी 3 के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या है इसके लुक्स, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। बॉडी कैसा है, प्लास्टिक बॉडी है क्या है, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बट एक अनुमान बताते हैं कि बॉडी जो है इसका प्लास्टिक ही होने वाला है। लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो इसका जो शेप होने वाला है डायमंड कट शेप होने वाला है। दोस्तों डायमंड कट शेप अगर आपको याद होगा कि रियलमी U1 और टू रियलमी 2 प्रो में भी आपको डायमंड कट शेप देखने को मिला था, तो कुछ कुछ उसी तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है रियलमी 3 में। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे आपको 6.3 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वाटर ड्रॉप जो नोज है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है रियलमी के लिए। लेकिन रियलमी को ये नहीं भूलना चाहिए कि रियलमी का सीधा कंपटीशन सैमसंग रेडमी से होने वाला है, जो कि दोनों ही दमदार ब्रांड है, और जो फ़ोन लॉन्च होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। तो उस हिसाब से अगर ये प्राइस और फीचर्स में लाएंगे तो अच्छी बात होगी। चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले प्रोसेसर की। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा मीडिया टेक का हीलियो P70 प्रोसेसर, जो कि आज कंपेयर करें अगर हम स्नैपड्रैगन से, तो ये 636 और 660 के कुछ हद तक ये काम करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से 636 इनफ है इसके लिए, और दोनों बराबर ही मैं मानूंगा हीलियो P70 और स्नैपड्रैगन 636 को। तो प्रोसेसर इसका हीलियो P70 जो है 8 कोर प्रोसेसर है दोस्तों, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जब लोग इसको यूज करेंगे और कंपेयर करेंगे H2 स्नैपड्रैगन 636 के साथ, और वहाँ पे इसका क्या मैचिंग होने वाला है, तो वहाँ पे पता चलेगा। फिलहाल ऑन बोर्ड इसको कहना थोड़ा मुश्किल है, बट अभी H2 कंपेयर करें 636 से, तो दोनों बराबर ही काम करेंगे। अंततः स्कोर की बात करें तो हीलियो P70 का जो स्कोर है वो है 1,56,906। तो स्कोर काफ़ी अच्छा है। जब ये फ़ोन में इनबिल्ड होगा और हैंड में यूज होगा तब हम बात करेंगे इसके स्पीड के बारे में क्या है। फिलहाल ऑन द बोर्ड कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, और किसी तरीके से मैं इसको जज नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ इसका ये प्रोसेसर सही है, बट स्कोर काफ़ी अच्छा है इसका। बात करते हैं अगर कैमरे की, तो कैमरा यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही है कंफर्म नहीं है, लेकिन 16+5 डुअल मेगापिक्सल सॉरी 16+5 डुअल कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो रियर कैमरा तो ये होने वाला है, और सेल्फी रियर कैमरा आपका कंफर्म है, सेल्फी कैमरा कंफर्म नहीं है, या तो 16 या तो 20 मेगापिक्सल आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी की। तो बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेम U1 और प्रो के तरह ही आपको 4230 या 4500 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैटरी सही में इतना ही होना चाहिए आजकल के स्मार्टफोन को, तो बैटरी बहुत अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं OS की। तो एंड्रॉयड पाई के साथ ऑन द बॉक्स ये शायद आपको मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो ओरियो से ही आपको काम चलाना पड़ जाएगा, बट मेरे हिसाब से पाई आपको यहाँ पे ऑन द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और साथ में इसका कलर OS का कॉम्बिनेशन है जो कि 6 है, याद रखिए कलर OS 6 आपको यहाँ पे 110% देखने को मिल जाएगा। लेकिन 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 दोस्तों फास्ट चार्जिंग USB टाइप सी अभी क्लियर नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि रियलमी 3 को फास्ट चार्जिंग और USB टाइप सी मस्ट है इस फ़ोन में देना। उनका सीधा कंपटीशन सैमसंग और रेडमी से होने वाला है, तो रियलमी 3 के टीम को ये बात कंफर्म करके रखनी होगी
कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं बहुत ही स्मार्ट है। तो कुछ ये ही फीचर्स देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ तक हम बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो मेरे हिसाब से इस फ़ोन का प्राइस जो है 10,000 रुपये होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि इसका प्राइस 10,000 होना ही चाहिए, क्योंकि अब देखिए सैमसंग और क्या बोलते हैं रेडमी, रेडमी ने चाइना में जो फ़ोन लॉन्च किया है 48 मेगापिक्सल के साथ, चाइना का प्राइस 10,000 रुपया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी उसका प्राइस 10,000 ही होगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो प्राइस चाइना में लॉन्च होता है वही प्राइस इंडिया में भी लॉन्च होता है। तो ये यहाँ पे देखने वाली बात हुई दोस्तों कि रियलमी क्या करता है। तो कुछ यही थी इसकी फीचर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और वैसे आपकी क्या है राय इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं रवि वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।